हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक पंकज गेमिंग आरएक्स चैनल। तो ये आप देख ही रहे होंगे तो दोस्तों, ये है अपना HMT नाट 11, जो कि ज़्यादातर मशहूर है भाई सिद्धू मूसेवाला के नाम पे। तो मोड तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, तो अभी इसकी टेस्टिंग करेंगे दोस्तों, कैसा परफॉर्मेंस देता है ये मोड हमें। और बाकी तो लुक वाइज देखो यार, एकदम ज़बरदस्त लग रहा है। और इसका मोड आपको मिलेगा 4000 सब्सक्राइबर पर। और भाई अपने सब्सक्राइबर कितने हुए अभी, 3100, मतलब लगा लो 3200 सब्सक्राइबर के तकरीबन हो गए हमारे। तो एक हफ्ते के अंदर लग जाएगा, मेरे एक हफ़्ता लग जाएगा भाई 4000 होने में। मेरे ख्याल से एक हफ़्ते के अंदर हो जाएगा। तो एक ये मोड मिल जाएगा आपको, कोई चक्कर ही नहीं, मैंने बनाया, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। तो देखते हैं इसका, तो इस मैं बता दूं यार, इसका फ्रेम मैंने यूज़ किया है किसी और का मोड का भाई का। तो अभी तो मुझे यार नाम नहीं है भाई के, कौन से भाई का था। तो काफ़ी टाइम था मेरे पास, टाइम हो चुका है इसको मोड को मैंने यार बनाया था और हुड लगाई थी। अभी मेरे दिमाग में यार बात नहीं है मैं किसका मोड था ये। तो कोई नहीं, बता देना यार जिसने बनाया होगा। तो मैंने ये फ्रंट का ही यूज़ किया है, ओनली फ्रंट। और ये तो मेरा HMT, आपने मेरा देखा होगा पुराना वाला, तो उसका यूज़ किया बाकी पार्ट। और ये येलो कलर का ही मैंने यूज़ किया, बता देना भाई जिसका भी होगा, जिसने बनाया होगा तो स्ट्राइक मत देना, एक बार बता देना मुझे मैंने बनाया भाई। तो फ्रेम का आपको मैं क्रेडिट दे दूँगा। चलते हैं अपने ट्रैक्टर की तरफ। तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें आप बेट लगा सकते हैं और बेट तकरीबन 250 kg लग जाता है। तो बेट लगा लेते हैं यार। और अगर बेट नहीं, 2 मिनट यार, अगर आप चाहो तो इसमें बम्पर भी लगा सकते हैं यार, ये भी ऑप्शन काफ़ी अच्छी दी गई है यार इसमें। देखो बम्पर भी लगा लो, कोई चक्कर ही नहीं यार, आगे से कितना हैवी बम्पर है ना दोस्तों, और ट्रॉली भी लग जाती है बम्पर के साथ। तो हम बेट भी बेट लगा लेते हैं यार दोस्तों, क्योंकि ट्रॉली में टेस्ट करना है तो आगे से उठ जाता है ये ट्रैक्टर। और व्हील सेटअप, और ये नाट 11 सिंपल है, अगर इसको चेंज करोगे तो नाट 11 टर्बो टर्बो हो गया। और इसकी हॉर्स पावर 110 HP है, तो एक बात ध्यान रखना, इसकी नॉर्मल पावर है, ज़्यादा हमने इसकी पावर को बढ़ाया नहीं है। तो ये मत बोलना यार आपने बेइज्जती कर दी ट्रैक्टर की, इतनी पावर है इसमें। तो ये नॉर्मल इंडियन के हिसाब से बनाया मैंने ट्रैक्टर, आप ये बात ध्यान से याद रखना। तो इंडियन ट्रैक्टर के हिसाब से बनाया है, उतनी पावर मैंने रखी है, उतने इम्प्लीमेंट खींचेंगे यार, ऐसा तो नहीं है यार भाई इंडियन ट्रैक्टर है आपका और खींच रहा है यार बड़े बड़े इम्प्लीमेंट, ऐसे थोड़ी ना होगा भाई रियल लाइफ में। तो थोड़ा सा मैं रियल लाइफ को देख के बनाता हूँ ट्रैक्टर। और कुछ भाई बोल रहे थे यार आप 735 ओल्ड वाला 4x4 होता है क्या, तो भाई यार ये गेम है यार, सीरियस मत लिया करो दोस्तों। तो गेम है तो गेम के अंदर आप चाहो तो एक टायर आगे लगा लो, एक पीछे लगा लो, वो भी ट्रैक्टर बन जाएगा। चाहे एक टायर लगाओ, चाहे सभी टायर हटा दो, फिर भी गेम में चलेगा भाई, गेम है यार, सीरियस मत लिया करो। और कुछ भाई का ये भी अपना रिक्वेस्ट आई कि भाई अरे 735 हॉर्स पावर का नहीं होता है, अर्जुन इतने का नहीं होता। तो यार दोस्तों इसकी कम से कम ट्रैक्टर को एक अपना आप ही, मैं आपको बता देता हूँ, प्रूफ भी दे देता हूँ, ठीक है? तो आप कंफ्यूज मत होना, एक मेरी बात सुन लेना ध्यान से। तो जो हम नॉर्मल पावर पे रखेंगे जैसे 735 35 हॉर्स पावर, तो 35 हॉर्स पावर का कोई भी इम्प्लीमेंट इस गेम में आपको नहीं मिलेगा, चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लो, और वो खींचेगा भी नहीं किसी इम्प्लीमेंट को। तो ये बात को ध्यान रखना। और जैसे ही भाई अर्जुन आपने इतने का बना दिया, इतने हॉर्स पावर का नहीं होता अर्जुन, अर्जुन 55 हॉर्स पावर का होता है। तो यार दोस्तों इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट नहीं खींच सकते यार इतनी हॉर्स पावर पे। देखो अभी 110 HP है इसका इंजन, देख लो, तो अपने इंडियन में 110 HP खींच लेता है, 11-13 हल तक खींच लेता है। तो ये भी मतलब उतने ही हल खींचेगा दोस्तों, उतने ही खींचेगा, मतलब कि मैक्सिमम जो 11 हल होते हैं ना, उसकी कैपेसिटी 110 HP है। तो अभी मैं बताता हूँ, तो पहले मोड ले लेते हैं, फिर आपको मैं जो भी डाउट है कंप्लीट कर देता हूँ इसकी गेम में। और टायर वगैरह आप चेंज कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है इसमें यार। तो फिलहाल के लिए ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और अभी इसको लेते हैं किराए पे। तो अभी दोस्त बोल रहे थे यार आप हॉर्स पावर को ज़्यादा करते हो, तो अभी आपको मैं प्रूफ भी दिखाता हूँ। अपना ट्रैक्टर कहाँ गया यार, अरे यार पता नहीं भाई कहाँ चल रह गया। तो अपने फील्ड में आया था मेरे ख्याल से, मैंने यार गलत जगह, ये है फील्ड, ये भी नहीं है, ये है, तो अपने पास आ जाएगा, कोई चक्कर वाली बात नहीं है।
हो गया भाई रिस्टोर, और ये आ गया अपना HMT नट 11। ओके, तो डबल साइलेंसर के साथ है। अभी आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये अभी मेरे पास कल्टीवेटर इंडियन जो कि 11 हल होते हैं ना वो है, टू टाइप की है। तो इसकी हॉर्स पावर देखो 100 HP, और हमारे इंडियन में 35 हॉर्स पावर का खींचता है। तो अगर हम 35 हॉर्स पावर उसका इंजन का पावर रखेंगे तो दोस्तों इसको खींचेगा क्या 100 HP के, आप खुद बताओ। ठीक है, ये 100 HP, ये 55 HP, ये भाई आइसर खींच लेगा इंडियन में 241 20 हॉर्स पावर, यहाँ पे 55 हॉर्स पावर चाहिए। तो वैसे ही यार देख लेते हैं, एक और है हमारे पास कल्टीवेटर, 130 हॉर्स पावर का इंजन चाहिए इसको खींचने के लिए, और मैं दिखा दूँ। पर ये है इंडियन स्टाइल में, 11 हल है, गिन लेना वीडियो रोक के। तो ये 11 हल है हमारे नॉर्मल, 735 खींचेगा इसको भाई, 735 से नीचे वाला भी खींचेगा, ऊपर वाला तो खींचेगा। पर इस गेम में अगर आपकी हॉर्स पावर ट्रैक्टर की 35 होगी, जैसे सबरा 735 है उसकी हॉर्स पावर 35 रखेंगे, तो भाई खुद अंदाज़ा लगा लो यार, 130 HP का इंजन चाहिए इसको खींचने के लिए, तो कैसे खींचेंगे बताओ भाई। तो इसलिए यार थोड़ा सा पावर के साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है दोस्तों, तो समझा करो बात को। और ये इसका 110 हॉर्स पावर का इंजन है, तो 110 हॉर्स पावर तक की चीज़ ये खींच सकता है। जैसे ये 100 थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, 10-15 हॉर्स पावर का फ़र्क होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। और लग गए अपने कल्टीवेटर, और इसका हाइड्रोलिक भी काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं एक मिनट आपको ओवरव्यू दिखा दूँ, उसका वेट लगाया हमने भाई 250 kg, और 4x4 है। अगर ये भी बात भाई बोलेंगे यार 4x4 नहीं होता है, तो काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया भाई सबरा 735 ओल्ड 4x4 नहीं होता है। तो भाई गेम अभी बता रहा हूँ, गेम में कुछ भी हो सकता है, तो आप साइकिल ऑस्पो को भी 4x4 कर सकते हैं भाई इस गेम में। तो ये अपने दिमाग की टेक्नोलॉजी है, कैसे भी कर लो कोई चक्कर नहीं। तो वेट लगा पिछले वाले टायर में भी, तो काफ़ी इसका ग्रिप बन जाएगा भाई ज़मीन के साथ, कोई चक्कर ही नहीं, स्लिप कम करेगा। और बाकी इंजन वगैरह देख लो, और लाइटिंग इसकी डबल आगे भी है और यहाँ भी है, और पीछे की तरफ भी लगाई हमने दो ऊपर, ताकि रात में आप पीछे भी देख सको। और नॉर्मल लाइट ये है, और बाकी तो सही है ट्रैक्टर यार, मुझे तो बहुत मस्त लगा, आप कमेंट करके बताना। ठीक है, तो बिकन लगे हैं डबल, तो चलो ऊपर से देखते हैं एक मिनट। तो ये है ऊपर से ट्रैक्टर, देखो भाई दो बड़े बड़े जाली वाले साइलेंसर लगाए हमने इस बार, तो काफ़ी डिमांड आ रही थी जाली वाला लगाओ। और बिकन एक मिनट आपको चला के बता दूँ, सॉरी ये लो बिकन चल पड़े, और JBL के स्पीकर लगे हैं डबल। तो ये स्पीकर भी मेरे नहीं हैं दोस्तों, तो ये किसी भाई के हैं, अभी मुझे ये भी याद नहीं किस भाई के हैं। ओके, तो लाइटिंग देख सकते हैं एक मिनट उतर के, तो फ्रंट की लाइट देखो क्या चमक रही है, ये भी चल रही है, अभी तक हमने पहले स्विच पे रखा है, अभी एक और स्विच दबाऊँगा ना, तो लो ये भी जल गई, और पीछे की भी जल गई, अभी सब बंद हो जाएगी। और हम इसमें दो पैसेंजर सीट है, एक साइड में भी है, ये साइड से भी बैठ सकते हैं आप, जो पैसेंजर की सीट होती है आप उससे भी ओवरव्यू देख सकते हैं बाहर से भी। तो थोड़ा सा हम करते हैं इसका कल्टीवेटर टेस्ट, तो अभी मैं बता रहा हूँ इससे मैं बड़े इंप्लीमेंट टेस्ट नहीं करूँगा, इंडियन के हिसाब से बनाऊँगा दोस्तों, आप ऐसे मत बोलना यार पावर नहीं है। तो नट 11-13 हल भी खींचे हैं मुझे मालूम है, तो हॉर्स पावर पर डिपेंड है यार कितनी आपने हॉर्स पावर की, यार ये अपना फील्ड नहीं है, एक मिनट अपने मुझे सभी फील्ड बाय करने दो, मैंने पहले बाय किए थे फिर वही हो गया। तो लो भी दोस्तों कर दिया स्टार्ट हमने, तो आराम से खींचना है, मैंने आपसे पहले कहा था सेम पावर हो ना तो कोई चक्कर ही नहीं ट्रैक्टर को यार। अगर आप बोलोगे यार अभी मैं आपको मैं दिखाऊंगा अभी प्रूफ, लाइव प्रूफ, जो भाई बोल रहे थे आपने यार चेंजेस क्यों किए, अपने पास बाद में बताऊंगा अगली वीडियो, मेरे 855 रिव्यू करूँगा नॉर्मल हॉर्स पावर वाला है वो, तो उसकी भी हॉर्स पावर यार इतनी है उसमें, तो आपको वो ट्रैक्टर दिखाऊंगा जिसकी हॉर्स पावर 35 है और ये 11 हल, देखते हैं खींचता कि नहीं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। तो जो मेरे भाई यार मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही है दोस्तों की, भाई मेरे यार चैनल पे कॉपीराइट क्लेम आ चुका है, मेरी गेम लैग कर रही है, मेरा क्रैश हो रहा है एजेंट एडिटर, मुझे ये प्रॉब्लम भाई मुझे ये प्रॉब्लम यार, मैं इतने सारे मैसेज का रिप्लाई तो नहीं कर सकता, पर मेरे दिमाग में यार एक बात आ रही है क्यों ना मैं एक टेक चैनल खोल लूँ, उसमें आपकी सभी मतलब प्रॉब्लम को देखूँगा और हर प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा उस चैनल पे, क्योंकि ये हमारा गेम प्ले वाला चैनल है यार दोस्तों, हम टेक यूज़ नहीं कर सकते इसमें, टेक्निकल वीडियो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक के खिलाफ है, और अपना यूट्यूब अभी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, क्योंकि अभी तो
यूट्यूबर 2021 में बनना तो बहुत ही मुश्किल है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। इतने सारी पॉलिसी है ना दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे। अभी मेरा फेस कैम वीडियो बना रहा, अगर मेरा फेस कैम वीडियो नहीं होगा ऐसे डालूंगा, यूट्यूब को लगेगा इसका बंदे का रियल वीडियो नहीं है, तो इसको मतलब डिसेबल कर देगा मेरे अकाउंट को। ये भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो यूट्यूब से रिलेटेड, गेम के रिलेटेड, क्रैशेस के रिलेटेड, क्रैश जो भी गेम क्रैश हो रही है, और इस फार्मिंग सिमुलेटर ए टू जेड हिस्ट्री के बारे में टेक्निकल चैनल में मैं आपको बता दिया करूँगा अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है। ओके, तो कमेंट में ज़रूर बताना मुझे टेक्निकल चैनल खोलना चाहिए कि नहीं। टेक्निकल में आपको मैं वीडियो गेम के अपडेट के बारे में बताया करूँगा, ट्रैक्टर के बारे में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ज़्यादातर जो मतलब जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आई उस पर वीडियो बना दिया करूँगा। कॉपीराइट क्लेम क्या होता है, कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है, CTR क्या होता है, अकाउंट क्यों डिसेबल होता है हमारा यूट्यूब का, तो इतने सारे क्वेश्चन है भाई। अगर आप यूट्यूबर हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखोगे, देखना है। अगर जो अगर मुझे आप बोलोगे कि हाँ भाई आप बनाओ वीडियो, तो उस वीडियो को ज़रूर वॉच करना भाई, क्योंकि मुझे पता है जीरो से इतने सब्सक्राइब करने में मुझे क्या क्या मेहनत लगी हो और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हुई। तो फिर जाके आपके बैंक खाते में यार पेमेंट आएगी। अगर आप ए टू जेड नहीं जानोगे तो क्या फ़ायदा अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए और दूसरे दिन डिसेबल हो जाए परमानेंटली। तो मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि मुझे पता और भी यूट्यूबर बताएंगे आपको, पर मैं आपको सिंपली भाषा में बताऊंगा सीधी सीधी बात, जो कि मैं यूट्यूबर का खुद का एक्सपीरियंस है भाई, ठीक है। तो ज़्यादा बातें मैंने कर दी आज आपके साथ यार, तो सॉरी हम रिव्यू भूल गए हैं, पर यार मैं सोचता हूँ यार जो प्रॉब्लम मेरे साथ हुई भाई आपके साथ ना हो यार। अगर आप यूट्यूब चैनल खोलने के बारे में सोच रहे हैं, यूट्यूब से पैसा आता है, मैं ये नहीं बोल रहा, बहुत कमाई होती है। अगर आपका चैनल बहुत ऊपर जाएगा तो यार उतनी कमाई होगी, जितना चैनल डाउन रहेगा भाई उतनी ही आपकी इनकम कम होगी, तो ये बात ध्यान में रखना है। और व्यू पे डिपेंड मत करना यार, व्यू पे हमें इतना पैसा मिलता है, तो व्यू पे कोई पैसा नहीं मिलता है दोस्तों, ये भी अपने दिमाग से बात निकाल दो। और भाई बोल रहे थे यार मेरा यार पता नहीं अभी मैं भूल गया हूँ एक बात बोल रहा था भाई, तो बोल रहे थे कितने व्यू पे चैनल मोनेटाइज होता है भाई, मुझे तो हंसी आई थी, पता नहीं कौन था वो भाई। तो कोई व्यूज़ पे चैनल मोनेटाइज नहीं होता है दोस्तों, चैनल मोनेटाइज होता है 1000 रियल सब्सक्राइबर और 4000 रियल वॉच टाइम, तो वहाँ पे आपका चैनल जो है वेरीफाई होता है मोनेटाइजेशन के लिए। तो कैसे अनेबल करना, अरे 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 रुक जा, बातों बातों में नाली में उतार दिया। तो मैं यार सोच रहा था भाई मेरे पास जो भी नॉलेज है मैं आपको बता दूं यार, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, जो कि यूट्यूबर बनने के बाद यार कसम से यार उस दिन का इंतज़ार होता है जब यार चैनल अपना मोनेटाइज हो जाए ना भाई, कोई प्रॉब्लम ना आए, तो उस दिन की खुशी यार साथ में आसमान पे होती है दोस्तों। अगर भाई एक दिन में अगर चैनल मोनेटाइज हुआ, दूसरे दिन आपने एक गलती की, तो उसी दिन या दूसरे दिन आपका चैनल डिसेबल हो जाएगा परमानेंटली, और जहाँ पर आपका कोई फ़ायदा नहीं, आपको यूट्यूब चैनल छोड़ना ही पड़ेगा। तो कुछ लोग हैं भाई यूट्यूबर बनना चाहते हैं, उनका चैनल भी है, गेम प्ले भी डाल रहे हैं, पर अगर आपको ए टू जेड हिस्ट्री का पता नहीं है यूट्यूब के बारे में, तो मेरे को आप बोल देना यार, वीडियो बना देना टेक्निकल, मैं भी चैनल बना दूँगा। अगर आप चाहते हो नहीं आप गेम प्ले बनाया करो, तो एक मिनट तो वीडियो देख लेना जाके यार, यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, तो यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ जो भी होगा देख लेना। और ऐसा काम कभी मत करना, क्योंकि यूट्यूबर अभी सीधा मैं बाद में बात करता हूँ दोस्तों, यूट्यूबर अभी कोई आपको वार्निंग नहीं देगा, सीधा ही आपका चैनल परमानेंटली डिलीट, या तो चैनल डिलीट या आपका एडिसन का अकाउंट डिलीट। एडिसन हो अभी क्या होता है अभी कुछ लोग पूछेंगे, तो ये सभी नॉलेज आपको मिलेगी। आप मुझे बता देना टेक चैनल खोलना कि नहीं, ठीक है, उसी हिसाब से मैं यूट्यूब के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप मेरा वीडियो देख लोगे ना तो आराम से मोनेटाइज हो जाएगा। तो ये लो हम अपना दूसरा कल्टीवेटर भी लगाते हैं, अभी बातें खत्म। लो ये भी खींच रहा है, अभी देख लो इसकी हॉर्स पावर, बताता हूँ आपको मैं, दो मिनट, कहाँ गया अपना ट्रैक्टर, 110 हॉर्स पावर, हॉर्स पावर मैं भूल गया, 110 HP हॉर्स पावर इसकी, और 81 किलोवाट का इंजन है। अभी ये इम्प्लीमेंट देखो कितने, 400 HP के और 294 किलोवाट, और भाई ये कंपेरे आप खुद लगाओ कितना डिफरेंस है, अभी देखना उसके साथ मैं लगाऊंगा, वो हिलेगा या तो बिल्कुल धीरे धीरे चलेगा या बिल्कुल ही नहीं चलेगा, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे भाई।
अगर मोड को आप XML फाइल को नहीं छेड़ोगे ना, उसकी पावर नहीं बढ़ाओगे, तो कोई फ़ायदा नहीं यार गेम प्ले बनाने का। फिर बड़े बड़े मोड आप खींचते हो यार, फिर खींच नहीं पाएगा। अभी लग गया अपना जगाड़ पानी, चलो अभी अनफोल्ड करते हैं। ये खींचेगा ना खींचेगा मुझे इतना गारंटी है, खींचेगा धीरे खींचेगा, कभी इतनी 10-15 की स्पीड में कभी नहीं जाएगा ये। लो भाई खींचेगा, नॉर्मल खींचेगा, 10-15 की स्पीड में कभी नहीं जाएगा। लो देख लो 5 की स्पीड में खींच रहा है, खुद अपने खुद लगा लो दोस्तों 5 की स्पीड में। अभी क्या करें बताओ, हॉर्स पावर तो बढ़ानी पड़ेगी भाई, 5 की स्पीड कितनी है अब बताओ। ये देखो अगर बोई में कल्टीवेटर इसके सेम पावर की अगर मैं लगाता तो ये नॉर्मल उतनी स्पीड में खींचता जितनी अपनी कल्टीवेटर की स्पीड है। ओके तो देखो ये तो अभी नॉर्मल चल रहा है, अगर आप कद्दू में चलाओगे ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा भाई, गीले खेत में बिल्कुल ही नहीं चलेगा। देख लो कितने मतलब कि धीरे धीरे खींच रहा है यार, इतने में थोड़ी ना होता है यार दोस्तों, हमें काम चाहिए जल्दी जल्दी निपट जाए अपने खेत का। तो बाकी एक करा भी लगाते हैं दोस्तों, पंजाबी करा। तो लो एक मेरे पास स्वराज 855 भी है, उसका भी रिव्यू करेंगे दोस्तों जल्दी ही हम। तो भाई मेरे कुछ बोल रहे हैं भाई तू तोतला बोलता है यार, पता नहीं उनको ऐसा क्यों लगा। तो एक मिनट यार मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप यूट्यूबर बन रहे हो तो दो टाइप के लोग बनते हैं आपके, एक बनते हैं फ्रेंडली और दूसरे बनते हैं आपके हेटर। जो कि हेटर होते हैं ना वो सोचते हैं, वो तो खुद कुछ नहीं कर पाते हैं पर दूसरों को भी वो सोचते हैं यार वो भी कुछ कर ना पाए, तो इसलिए कि वीडियो में कमेंट गंदे करेंगे। सब्सक्राइब तो आपको बिल्कुल ही नहीं करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ, डिसलाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट ज़रूर लिखेंगे एक बहुत ही बुरा जिससे आप मतलब यूट्यूब छोड़ दोगे और आप इमोशनल हो जाओगे, हाँ यार भाई मेरे में ये कमी है। तो ये बात का ध्यान रखना, अगर आपको कोई भी कुछ बोले इग्नोर करो या तो ब्लॉक मार दो, यार आपको पता ही है सब्सक्राइबर तो नहीं किया उसने, और आपके जो रियल सब्सक्राइबर है ना भाई उनका मतलब कि दिल से आप वीडियो बनाया करो, उनकी ख्वाहिश को पूरा करो करो, आपको कभी भी हेट लाइक नहीं करेंगे, कभी मतलब कमेंट में इतनी गंदी गाली नहीं देंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। तो जो ऐसे लोग होते हैं ना जो कि आपकी कामयाबी से जलते हैं, जो कि आपको हेटर होते हैं ना, आपको बताया मैंने, तो YouTube में दो टाइप के लोग होते हैं जैसे मेरे भी कुछ हेटर होंगे, वीडियो देख रहे होंगे तो अगर उसको बुरा लगे तो लगे भाई, सीधी बात है। अगर आप चाहते हो यार मैं कर रहा हूँ अपनी मेहनत से कर रहा हूँ दोस्तों, अगर आप चाहते क्यों जलना है भाई, जलना मत बोलते हैं, जलो मत रीस करो, मैं यूट्यूबर हूँ आप भी यूट्यूब चैनल खोलो, मुझसे ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाओ ठीक है। तो मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा यार, हाँ यार मुझसे ज़्यादा बढ़ गए सब्सक्राइबर, तो मेहनत का जितना भी हो अच्छा होता है। तो कुछ लोग होते हैं यार तो उनको इग्नोर कर दिया करो, अगर आप भी आपको भी कमेंट करते हैं ऐसे लोग, क्योंकि खुद तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे और दूसरों की कामयाबी से वो जलते हैं। तो मैंने पहले कहा था जब चैनल स्टार्ट किया था, प्लीज़ मेरे जो रियल सब्सक्राइबर इस चैनल को सब्सक्राइब किया करो और दूसरों को आने की जरूरत नहीं भाई। कुछ मेरे लोग यार सब्सक्राइबर इतने अच्छे भाई, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, हर वीडियो को लाइक करते हैं, उनका मैं हर रिप्लाई करता हूँ दोस्तों, हर रिप्लाई अगर मैं पढ़ूँगा, वैसे तो टाइम बहुत कम होता है आपको पता ही है मेरे पास यार, काम पे भी जाना होता है। और जो हेटर होते हैं यार कसम से बहुत जलते हैं दूसरे की काम यार, ये यूट्यूबर बन गया ये पैसे कमा रहा है, मैं नहीं कमा पा रहा हूँ, इसको ऐसे करते हैं डिसलाइक करते हैं और बुरा बुरा बोलते हैं, ये छोड़ देगा यूट्यूब छोड़ देगा, तो यूट्यूब तो कोई नहीं भाई ऐसे छोड़ेगा आपके एक कमेंट से, क्योंकि क्या बोल रहा अभी मेरे लफ्ज़ ही नहीं है यार दोस्तों। तो आपको भी अगर ऐसे कमेंट करते तो इग्नोर कर देना दोस्तों, आराम से अपना यूट्यूब चैनल खोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं यार, कोई कुछ नहीं, पर ये किसी का एक बार यूट्यूब चैनल खोलने से पहले यूट्यूब की पॉलिसी वगैरह पढ़ लेना, आपको मैंने फिर बताया, अगर आपको नहीं पता मुझे कमेंट में बताना भाई टेक्निकल चैनल खोलो हमें जानकारी दो, ये प्रॉब्लम आ रही है हमें, तो मैं ज़रूर आपको ये कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो लो भाई अब आराम से चढ़ गया ट्रैक्टर अपना, तो नॉर्मल हॉर्स पावर के साथ है भाई ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, हमने इस बार यार पावर बढ़ाओगे तो इसकी स्पीड भी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी इसकी, ब्रेक फोर्स भी बढ़ेगी, ब्रेक लगाओगे लगेगी नहीं ब्रेक, जैसे पिछले ट्रैक्टर में आपने देखा, उसको एडिट करने के लिए मास्टर होना चाहिए कोई आदमी, मैं इतना मास्टर नहीं दोस्तों, मैं तो सिर्फ मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ XML फाइल को, तो मैं यार मतलब थोड़ा बहुत कर सकता हूँ ज़्यादा नहीं, मुझे इसके बाद मैं कभी एडिट ही नहीं किया यार, ज़्यादातर गिरीश भाई जो एडिट करते हैं।
तो HMT नाट 11, तो मोड आपको 4000, मैंने कहा 4 पे मिलेगा ना यार दोस्तों, हाँ 4 पे मिलेगा। और कोई प्रॉब्लम नहीं, इसी चैनल पे लिंक दे दूंगा, दूसरे चैनल पर जा यार, दूसरा चैनल को भूल गया भाई, दूसरे चैनल को जाओ यार सब्सक्राइब करो, वो भी रखा मैंने चैनल, तो शॉर्ट वीडियो डालूंगा, पबजी की डालता हूँ, तो उस चैनल पे मिलेगी आपको, वो बैकअप के लिए रखा है मैंने चैनल। ओके, अगर आप मेरा ये चैनल डिसेबल हो जाए तो मैं उस पर वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा, तो अगर आपने सब्सक्राइब किया तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नहीं तो भाई आप ढूंढते रह जाओगे यार मेरा चैनल फिर। ठीक है, जाओ सब्सक्राइब कर लो, कोई चक्कर नहीं भाई, अपना ही चैनल है। लो घर पे पहुंच गए सही सलामत। और ये था अपना, इसका हॉर्न नहीं बताया, नॉर्मल हॉर्न। तो ट्रैक्टर बनाने के बाद मैं खुद भूल जाता हूँ मैंने कौन सा हॉर्न लगाया, क्योंकि एक साथ मैं 10-15 ट्रैक्टर बना देता हूँ, क्योंकि इसको बनाने में दोस्तों मैं बताऊं तो आधे घंटे में ये ट्रैक्टर बन गया। इसके 3-4 मॉडल बना दिए, आया HMT फार्म ट्रैक 60 था, अपना सबरा 735 ओल्ड मॉडल, सबरा 850 ओल्ड मॉडल, ये 4 ट्रैक्टर मैंने 2 घंटे में बना के रेडी कर दिए, क्योंकि ज़्यादा मेरे पास बोर्ड भी पड़ी थी, सब कुछ पड़ा था। अगर मैं ब्लेंडर में बनाता ये मॉडल तो काफ़ी टाइम लग जाता दोस्तों। तो ओके, तो आपको 4000 सब्सक्राइबर पर आपसे जवान की ये दोस्तों मिल जाएगा, तो ठीक है, और मिलता हूँ जल्दी ही। आज की वीडियो यार यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि बातों बातों में काफ़ी लंबी कर दी हमने वीडियो, और मैंने आपको जो बताया यार, एक मिनट गौर कर लेना उस बातों पे और बता देना मुझे कमेंट में यार दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो, वैसे तो रिव्यू तो कम ही किया हमने बातें की, तो अच्छी लगी तो लाइक फिर भी कर लेना यार, सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलता हूँ जल्दी ही एक और नई वीडियो का रिव्यू लेके, तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।